हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए सेकंड मेथड जो है उसे सीख रहे हैं। सेकंड मेथड का एक नाम और भी हो सकता है कि कई लोग इसको एन्युटी मेथड भी कहते हैं। एन्युटी मेथड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो अमाउंट एनुअली पे करना है ना, वो फिक्स हो जाता है कि हाँ भाई आपको इतना ही पे करना है। तो इसको फिर आपका एन्युटी मेथड जो है वो भी आपका कहा जाता है। इसको कैसे ट्रीट करते हैं देखते हैं। इसके लिए अपन डीके गोयल का एग्जांपल नंबर 45 ही ले रहे हैं और उसमें पॉइंट नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में आपको कहा गया था कि 3 इंस्टॉलमेंट 25,000 ईच, 80,000 का तो आपका लोन था, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में 25,000 ईच पे करना है, विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट, यानी इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है। इस 25,000 के अंदर इंटरेस्ट जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, और बैलेंस जो है वो फोर्थ ईयर में लास्ट में पे करना है, ठीक है। देखते हैं, तो देखिए आपका 80,000 का आपका लोन है, ए का लोन अकाउंट है, तो ए इज लोन अकाउंट, लोन में पैसा कहां से आता है, कैपिटल से, तो बाय ए इज कैपिटल अकाउंट, 80,000 का आपका कैपिटल अकाउंट से लोन आ गया, इसी पे आपका इंटरेस्ट लग जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, वही 10%, 8,000। इस बार पेमेंट तय है, एन्युटी मेथड में पेमेंट तय है, उन्होंने कह दिया कि 25,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो आपको 25,000 पे करना है। सर इंटरेस्ट का क्या हुआ, इंटरेस्ट क्वेश्चन में पहले ही लिखा था कि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस एन्युटी के अंदर। नाउ आप बैलेंसिंग फिगर में बैलेंस सीडी निकाल सकते हैं, क्रेडिट का टोटल 88 आ रहा है, तो डेबिट का भी 88 आना चाहिए, 88 में से 25 गया तो बैलेंस कितना बचा, 63,000। ये जो बैलेंस सीडी है ये आपका बैलेंस बीडी बन जाएगा 63,000। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, इस पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, 63,000 का 10% 6,300 ये इंटरेस्ट लग गया। पेमेंट करना आपको ईयर के एंडिंग में, ईयर के एंडिंग में जो इंस्टॉलमेंट है वो तो फिक्स है 25,000, पहले भी 25,000 थी, ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, ये आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी। अब वही क्रेडिट साइकिल टूल करें, क्रेडिट साइकिल टूल आ रहा है 69,300, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 69,300, तो यहाँ बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर में आपका निकल जाएगा 44,300। ये सीडी अगले साल क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा, वही 44,300, फिर इस पर इंटरेस्ट लगेगा वही 10%, 4,430, फिर आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ये आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट आ गई है टू बैंक, थर्ड इंस्टॉलमेंट 25,000 की, क्रेडिट साइड का टोटल अब आपका आ रहा है 48,730, तो डेबिट का भी कितना आना चाहिए, 48,730। तो इस कंडीशन में टू बैलेंस सीडी आपका निकलेगा 23,730 बैलेंसिंग फिगर में। नाउ ये जो सीडी है, 3 इंस्टॉलमेंट तो पूरी हो गई, फिर भी बैलेंस तो बच रहा है, तो ये जो सीडी है ये बीडी बन जाएगा 23,730, और फिर इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट वही 10%, 2,373, और इंस्टॉलमेंट तो 25,000 की 3 थी, हो गई है, अब तो पूरा पेमेंट आपको ईयर एंडिंग में एक साथ ही करना पड़ेगा, दैट इज 26,103। इस तरीके से इस वाले मेथड के अंदर आपके एन्युटी जो एनुअल अमाउंट है फिक्स कर दिया गया कि हर साल आप 25,000 पे करेंगे, तो देखो 25, 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
डाल ओपनिंग बैलेंस जो भी उस पर, ओपनिंग बैलेंस पे देखो, ओपनिंग पे, ओपनिंग पे,
ओपनिंग पे हर साल इंटरेस्ट तो उसी तरीके से आपको पे करना है, सही है। बस यहाँ एन्युटी इसको इसलिए कहते हैं, इसका नाम एन्युटी मेथड इसलिए है क्योंकि यहाँ एनुअल अमाउंट 25 25 25 या कुछ भी वो फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन का सेकेंड मेथड। ओके, थैंक यू।